अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एवन न्यूज़ एचटी प्लस। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से, जहां पंजाब पुलिस का टीएसआई कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मनीर अहमद साजिद से। जी हां, कत्ल की अफसोसनाक वारदात का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टीएसआई गुलाम फरीदवाल बहावल शेर कौम बघेला सहरी अफतारी के लिए अशिया खुर्दो नोश खरीद कर हड़प्पा से अपने घर जा रहा था के रास्ते में जोड़िया पुल पर गात लगाए बैठे हुए अफराद ने गुलाम फरीद पर गोलियों की बौछार कर दी, जो गुलाम फरीद की दोनों टांगों पर लगी। जख्मी हालत में पुलिस मुलाजम को रेस्क्यू 1122 की टीम ने मरकज से तड़पा पहुंचाया, यहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। वाकया की इतला मिलते ही एसएचओ थाना हड़प्पा आबद हसैन बुल्ला जैवकुआ पर पहुँच गए, जिन्होंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। तहम मकतूल के भाई जवेद का कहना है कि मेरे बड़े भाई को बघेला बरादरी के ही अला यार मोहम्मद यार रियाज मदसर और दो नामालूम अशकास ने कत्ल किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुनीर अहमद साजद, एवन न्यूज़ हड़प्पा साहिवाल।